परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, उपराज्यपाल दिल्ली श्री विनय कुमार सक्सेना जी, संसद में मेरे सहयोगी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री रमेश भिदूरी जी, श्री प्रवेश साहेब सिंह जी, श्री मनोज कुमार तिवारी जी एवं यहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तिगण, दिल्ली के शहरी विकास की यात्रा के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमेशा हमारे नागरिकों की मूल जरूरतों को प्राथमिकता दी है। स्वच्छ भारत अभियान, अमृत और स्वनिधि के माध्यम से केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों को महत्वपूर्ण शहरी सेवाएं प्रदान की हैं। अब डीडीए की जहां झुग्गी वहीं मकान स्कीम भी एक बड़े पैमाने पर दिल्ली में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने में योगदान देगी। इसका सबसे ज्यादा लाभ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ईडब्ल्यूएस समुदाय को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों की समस्या से हम सभी परिचित हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार दिल्ली की लगभग 10% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। इन भाइयों और बहनों को न केवल शहरी सेवाओं से बल्कि बुनियादी इज्जत से भी वंचित रखा गया था। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि डीडीए ने आज कालकाजी एक्सटेंशन के भूमिहीन इलाके में इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन परियोजना के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। कुल 3024 फ्लैट्स लाभार्थियों को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, जिनमें सभी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। 1862 परिवारों को अलॉटमेंट लेटर जारी किए जा चुके हैं और आज 575 परिवारों को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घरों का स्वामित्व या पोजेशन प्राप्त होगा। महिलाओं को विशेष रूप से सशक्त बनाया जाएगा, क्योंकि इस योजना के तहत उन्हें घरों का मालिकाना हक या संयुक्त मालिकाना हक दिया जाएगा। इस परियोजना के साथ साथ अशोक विहार के जेलरवाला बाग इलाके में और शादीपुर के कठपुतली कॉलोनी में चल रही परियोजनाएं अच्छी तरह से प्रगति कर रही हैं और अगले साल तक पूरी हो जानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम के माध्यम से आपने यह सुनिश्चित किया है कि दिल्ली के प्रत्येक निवासी को लाभ और आराम मिले। ईडब्ल्यूएस समुदाय के उत्थान करके हम वास्तव में अंत्योदय से सर्वोदय का उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए ऐसा विकास होना जरूरी है। मुझे विश्वास है कि भारत के अमृतकाल में दिल्ली जैसे शहर मजबूती से विकसित होते रहेंगे और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आप मेरे साथ जरा जोर से अपनी आवाज उठाइए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।